बदलापुर कांड के आरोपी अक्षय शिंदे की सोमवार को एनकाउंटर में मौत हो गई। इस एनकाउंटर पर कांग्रेस नेता विजय वेटेटियर, सुप्रिया सुले, नाना पटोले समेत कई नेताओं ने सवाल उठाए। वहीं अब शिवसेना नेता संजय निरुपम का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि बदलापुर घटना के आरोपी का एनकाउंटर होना अच्छी खबर है। जो लोग इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या वे आरोपी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ? जब यह घटना हुई तो यही लोग कह रहे थे कि आरोपी को सार्वजनिक रूप से फांसी मिलनी चाहिए, और आज वे इस पर सवाल उठा रहे हैं। मैं सभी विपक्षी नेताओं से अपील करूंगा कि वे आरोपी के लिए आंसू बहाने की बजाय महाराष्ट्र पुलिस के साथ खड़े हों। बदलापुर के जिस नराधम ने दो नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था, उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल यह है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ। यही लोग जब बदलापुर की घटना घटी थी तो ऐसी मांग कर रहे थे कि सरेआम खुले चौक पर इस बलात्कारी को फांसी दे दीजिए, और आज जब उस बलात्कारी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन करके पुलिस पर वार करना चाह रहा था, और उससे बचने के लिए पुलिस वालों ने जब उस पर हमला किया या उस पर अटैक किया या उसका एनकाउंटर किया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती।